हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। जी हाँ, एमपीटेट वर्ग तीन के लिए, एमपीटेट में भी जो भी एग्जाम हुए थे वर्ग दो और वर्ग एक के, उनके हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आए। एक पैटर्न समझ में आता है कि किस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बाल विकास और पेडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण एमसीक्यू, ये पार्ट वन है। एज वन पार्ट टू भी हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमपीटेट वर्ग तीन। तो फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। आपको ये बताना है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो किसके प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनी है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो प्राथमिक शिक्षा है, जो प्राइमरी लेवल की शिक्षा है, वो महात्मा गांधी के, जी हाँ, महात्मा गांधी के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे काम किए थे प्राथमिक शिक्षा के लिए, और जिसको हम बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, तालीमी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। ये जो शिक्षाएं हैं वो प्राथमिक शिक्षा के लिए इन्होंने कदम उठाए थे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा, हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लॉज ऑफ फ्रेम, ओके, क्लॉज ऑफ फ्रेम निम्न की धारणा की एक इकाई है। यानी आपको ये बताना है कि क्लॉज ऑफ जो फ्रेम है किसकी इकाई है, छवि की, अवधारणा की, भाषा की या विचार की। क्लॉज ऑफ फ्रेम, वेरी वेरी फ्रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। क्लॉज ऑफ आप जो फ्रेज है वो किस धारणा की एक इकाई है। इनमें से राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भाषा की। ठीक है ना, क्लॉज ऑफ फ्रेज जो है वो भाषा की एक इकाई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और ले लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन को समझिएगा कि छात्रों यानी स्टूडेंट के बीच में संचार प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए अध्ययन करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टडी करने के लिए कौन सी विधि, कौन सी मेथड अच्छी होगी। यहाँ पे आपको बताना है, मामले का अध्ययन करना यानी केस स्टडी, अवस्थित अवलोकन या फिर प्रयोगात्मक विधि, या फिर यहाँ पे आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्शन, कौन सी विधि अच्छी होगी किसके लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए सबसे अच्छी जो मेथड विधि है वो हो जाएगी अव्यवस्थित अवलोकन। ठीक है, व्यवस्थित अवलोकन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन बेस्ट मेथड होगा किसके लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों में जीन इनमें स्थित होता है। जो मानवों में जीन होता है वो किस में स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, कोशिका झिल्ली में या गुणसूत्र में। मानवों में, ह्यूमन में जो जीन होता है वो किस जगह लोकेट होता है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, बहुत इजी भी है। तो जो मानवों में जीन्स होते हैं वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में स्थित होता है। किस में स्थित होता है, क्रोमोसोम में स्थित होता है। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक डैश में अधिक सक्षम होते हैं। जो छोटी कक्षाएं होती हैं यानी प्राइमरी लेवल तक की जो कक्षाएं होती हैं उनके साथ में जो टीचर होते हैं किस में अधिक सक्षम होते हैं, किस में एबल होते हैं, ज्यादा सहज अनुभूत करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं शिक्षण के दौरान धीमी गति से जाने में, या फिर अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने में, या फिर छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में, या फिर पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह का उपयोग करने में। कहाँ पे शिक्षक जो होते हैं वो सक्षम होते हैं छोटे कक्षाओं में, छोटे बच्चों के साथ में। तो इसका जो राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, राइट आंसर है जो इसका हो जाएगा, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देश देने में।
यदि मान लीजिए चार, क्योंकि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहां पे कुछ जो छात्र हैं डाइवर्ट हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है किसी बात को लेकर के, वो अलग अलग मत रख देते हैं, विचार अलग अलग रख देते हैं, तो वहां पे जो टीचर बोलते हैं वही उस चीज को वो मानते हैं, और टीचर यहाँ पे सक्सेस होते हैं अपनी राय वहां पे कायम करने में, बताने में। तो छात्रों के बीच जो मतभेद होते हैं उनको अनुकूल दिशा निर्देश देने में, उनको सही बताने में छात्र शिक्षक यहाँ पे सक्षम होते हैं। किन कक्षा में? छोटी कक्षाओं में, यानी प्राइमरी लेवल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही है, ठीक है ना, और एक पैटर्न है, आइडिया है जो भी आपके एग्जाम हुए थे। एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, निम्न का संकेत है। कोई बच्चा एक काम कर रहा, कंटिन्यू के ही काम को कर रहा है, तो वो ऊब जाएगा, बोर हो जाता है ना। जनरली आप देखते हैं बच्चे बोलते भी हैं कि एक काम को करते करते मैं ऊब गया, मैं बोर हो गया, तो किस चीज का संकेत ये मिलता है? कार को व्यवसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, या फिर बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चा सीखने में असमर्थ है। किस चीज को संकेत कर रहा है? जब बच्चा एक ही काम में बोर हो जाता है ना, जनरली बच्चे बोलते हैं एक काम करते करते मैं बोर हो गया हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, राइट आंसर होगा कि कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है। कार जो है, जो बच्चा काम कर रहा है वो यांत्रिक रूप से दोहराव लाता है, यानी कि उसको बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट होने से बोरियत तो होती है। मैं कंटिन्यू इसको 2 या 4 मिनट तक किसी क्वेश्चन को पढ़ू या 2-4 मिनट तक किसी क्वेश्चन को बार बार समझाऊं, तो आपको एक टाइम आएगा बोरियत लगने लगेगी, क्या मैम बार बार वही आप बोल रही है। तो यही चीज होता है कि जब कोई बच्चा, लेकिन यहाँ बच्चे की बात चल रही है, कोई बच्चा एक काम में व्यस्त होता है, ठीक है ना, तो वो ऊब जाता है, उसको बोरिंग लगने लगती है एक काम को कंटिन्यू करने में, तो वह कहलाता है कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक डैश में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। जो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो किस में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं? औपचारिक वातावरण में या अनौपचारिक वातावरण में, भौतिक वातावरण में या सामाजिक वातावरण में? जो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक होते हैं अधिगम के साथ यानी सीखने सिखाने के साथ में अधिक चिंतित होते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक वातावरण में। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? औपचारिक वातावरण में। तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक जब औपचारिक इनफॉर्मल इन्वायरमेंट जो होता है वहां पे वो अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विशेष जरूरत वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है। विशेष जरूरतों वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, या फिर दूरस्थ क्षेत्रों को लोगों को दी जाती है, या बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, और औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई होती है विशेष जरूरत वाली शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसको एक नाम भी दिया गया है विशेष जरूरतों वाली शिक्षा को। तो ये किसके लिए दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अक्षम व्यक्ति, यानी कि जो डिसेबिलिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, ठीक है ना किसी रूप से वो परेशान होते हैं, उनको दी जाने वाली शिक्षा विशेष जरूरत वाली शिक्षा कही जाती है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, इसे जरूर कवर करिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो विशेष जरूरत वाली जो शिक्षा होती है अक्षम व्यक्ति को, यानी डिसेबिलिटीज वाले जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग अपंग जो व्यक्ति होते हैं उन लोगों को दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया, यानी कि बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट जो स्केल है उसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया, आपको यहाँ पे ईयर बताना है। तो बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को 1916 में जो है, सॉरी 1916 में जो है प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, कब प्रकाशित किया गया? 1916 में। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दूं, बुद्ध से संबंधित जरूर देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 क्वेश्चन बुद्ध से जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि पद कल्पित प्रयोजन बाद यानी फिक्शनल फाइनलिज्म जो होता है इसके प्रतिपादक कौन थे, किसने इसको प्रतिपादित किया था पद कल्पित प्रयोजनवाद को? ठीक है ना, स्किनर, फ्रायड, एडलर या पावलोव ने? तो देखिए पद जो प्रयोजनवाद कल्पित प्रयोजनवाद होता है उसको एडलर ने, ठीक है, किसने? एडलर ने प्रतिपादित किया था। चलिए और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल्दी से ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तर्क संगत भावात्मक व्यवहार थेरेपी निम्न में के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, ठीक है ना, यहाँ पे है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? कार्ल यंग के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा, आरोन बेक के द्वारा या अल्बर्ट एलिस के द्वारा? तर्क संगत भावात्मक
सॉरी भावनात्मक व्यवहार थेरेपी जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट एलिस के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट एलिस जो है इसके प्रतिपादक जनक है। तर्कसंगत भावात्मक व्यवहार इमोशनल इमोटिव बिहेवियर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक है, यानी कि एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का क्या संकेत है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि एक स्कूल में शिक्षा जो दी जा रही है गुणवत्ता पूर्वक दी जा रही है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण व सीखने से संबंधित सामग्री के माध्यम से आप कह सकते हैं, या स्कूल में आधारभूत ढांचे से संबंधित सुविधाएं दी जाती है, या फिर विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर या कक्षा की व्यवस्था, किसके आधार पर, इन चारों में से किसके आधार पर आप कह सकते हैं कि स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अच्छी है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की जो उपलब्धि स्तर है उसके आधार पर हम कह सकते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होंगी, सभी स्कूलों में होती हैं, लेकिन जब बच्चा यदि अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, पढ़ने में इंटेलिजेंट वो है, ठीक है ना, जो रिजल्ट निकल रहा है वो अच्छा निकल रहा है, तो ये सिद्ध करता है कि विद्यार्थियों की जो उपलब्धि स्तर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक होता है, एक पहचान होती है स्कूल की, विद्यार्थियों का उपलब्ध स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है, कौन सा शिक्षक अधिकारवादी शिक्षण शैली के साथ पहचाना जा सकता है, अवंध शिक्षक, लोकतंत्री शिक्षक, निष्पक्ष शिक्षक या प्रत्यक्ष निर्देशक शिक्षक, अधिकारवादी शिक्षण शैली। राइट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर जो होते हैं वो अधिकारवादी शिक्षक शैली के साथ पहचाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन थे, स्किनर, पावलोव, कोहलर, फ्रायड। देखिए अब यही पे कंफ्यूजिंग करने वाला, इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग हमेशा याद रखिएगा, या फिर शास्त्रीय, ठीक है ना, शास्त्रीय अनुबंध, या फिर शास्त्रीय अनुबंध भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे देखिए चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन कैसा नाम दे दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, या फिर शास्त्रीय अनुबंध भी इसको कहा जाता है, बहुत सारे नाम इसके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावलोव का, ठीक है, पावलोव का जो है क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत है, जिसे यहाँ पे चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन का नाम दे दिया गया है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह भी वर्ड यूज किए जाते हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो की अभी तक के एमपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आइडिया लगता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठाए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आइडिया लग जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम और भी आपके लिए भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।